सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेशी पीएम का रिसेप्शन, बोली हमारी आजादी की लड़ाई में भारत का योगदान। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने दिया प्रतिक्रिया, कहा मैंने अपना काम किया है, कहीं कुछ नहीं निकलेगा। मिजोरम में म्यांमार के 30,000 शरणार्थी, म्यांमार के शरणार्थियों को पहचान पत्र, 160 शिविरों में चौकस तेज। बीच रास्ते से लौटे विस्तारा की फ्लाइट, दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान के कॉकपिट सीटी की आवाज सुनाई दी थी। एमपी में टेक होम राशन मुफ्त भोजन योजना में घोटाला, कागजों में बांटा 110 करोड़ का राशन। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को झटका, पंजाब महिला विंग प्रधान बलवीर रानी सोढ़ी ने अचानक पद छोड़ा। राहुल ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया, कहा गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री। नितिन गडकरी ने अहमदाबाद मुंबई हाईवे को बताया खतरनाक, कहा वहां ट्रैफिक बाकी हाईवे के मुकाबले सबसे ज्यादा। नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर्स से मिले पीएम मोदी, बोली नई शिक्षा नीति की दुनिया में सराहना हो रही है। राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, विपक्षी दल साथ आए और भाजपा से लड़े। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी ने किया स्वागत। राजपथ का नाम बदलने पर राजनीति, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन तो महुआ, बोली ये क्या हो रहा है। दक्षिणी राज्यों में आफत बना मानसून, केरल में बाढ़ से 2 की मौत, कर्नाटका में करोड़ों का नुकसान। डाटा संरक्षण बिल पर अश्विनी वैष्णव ने कहा नए कानून से ऑनलाइन दुनिया को और जवाबदेह बनाएंगे। सेंट्रल विस्ट्रा एवेन्यू के उद्घाटन में आतंकी हमले का अलर्ट, बंद रहे इंडिया गेट के सभी रास्ते। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत, लखीमपुर से लखनऊ जा रहे थे कार में हार्ट अटैक से हुए बेहोश। गाजियाबाद में लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काटा, दर्द से कराहता रहा बच्चा, चुपचाप खड़ी रही मालकिन, सीसीटीवी में कैद घटना। हमीरपुर में बाढ़ और बारिश के बाद बढ़ी संक्रामक बीमारियां, स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें गांव में पहुंची। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप, 2 लोगों की बातचीत में भर्ती के लिए रुपए के लेन देन की बात की गई।
गोंडा में लड़कियों को ले जाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास, लखनऊ की नाबालिग व गोंडा की युवती बरामद, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। कानपुर देहात में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 1.25 किलो गांजा और तमंचा बरामद की गई। जौनपुर में सीएमएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, डीपीसीएम ने 3 फार्मासिस्ट को निलंबित करने का दिया निर्देश। गाजियाबाद में एमपी के युवक को मिली जली हुई लाश, कल शाम से लापता था राजमिस्त्री। बदायूं में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या के बाद शव लटकाने का आरोप। फरुखाबाद में नहीं लगेगा पशु मेला, बॉर्डर के गांव में पशुओं में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, लूटी गई रकम और अवैध हथियार बरामद। सड़कों से मुगल शासकों के नाम हटाने की मांग, भाजपा नेता बोले पांडवों के नाम से हो इंडिया गेट से जुड़े वाले मार्ग। प्रयागराज में महिला ने खुद को लगाई आग, बीमारी से तंग आकर की खुदकुशी, बंद मकान के बरामदे में मिला शव। लेवाना होटल अग्निकांड, लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मथुरा में दमकल विभाग होटल धर्मशाला की करेगी चेकिंग। फतेहपुर में 2 महिलाओं को सांप ने काटा, परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ई बिजनेस के कारण खुदरा व्यापार हो रहा है चौपट, वाराणसी में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के लोनी में सर्राफ को गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने झोंका फायर, भीड़ ने किया पथराव। बिजनौर में चोरों का आतंक, किसान के घर से चांदी के सेट समेत हजारों के ले गए सामान। सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पर लखनऊ में केस दर्ज, पति और ससुर पर 57 लाख लेकर जमीन न बेचने का आरोप। मथुरा के मांड में किसान को बंधक बनाकर डकैती, 5 बदमाशों ने पीटकर किया बेहोश, नगद और जेवर लेकर फरार। स्कूली बच्चों ने एनएमए की 1 लाख की मदद की, आप सांसद संजय सिंह ने भी दिए 1 लाख रुपए, कटका क्लब जुटा रहा है चंदा। आगरा में शराब ठेके में कैंटीन संचालक ने पकड़कर पीटा, मामूली कहा सुनी पर चले लात घूंसे। स्कूल गेट पर छात्रों के प्रार्थना करने का वीडियो वायरल, इटावा में एक स्कूल के इस स्कूल में समय से नहीं पहुंचते हैं टीचर। मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू को उस साल की सजा, आजमगढ़ के बिलरियागंज और तरवा में दर्ज मामले में हुई सजा। बरेली में अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, राधा माधव स्कूल के पास बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी।
मुरादाबाद के होटलों में चेक किया फायर फाइटिंग सिस्टम, लखनऊ के होटल अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में मारपीट, 12 से अधिक घायल, छेड़छाड़ का लगाया आरोप, गांव माननगर में देर रात की घटना। नाबालिग से रेप करने वाला कारपेंटर फरार, मुरादाबाद में रेप पीड़ित ने ऑडियो वायरल होने पर कर ली थी आत्महत्या। लखनऊ के केजीएमयू में आज ओपीडी बंद, हजारों मरीजों के इलाज पर संकट, कर्मचारी और शिक्षकों का शुरू हुआ आंदोलन। लेवाना होटल अग्निकांड में एलडीए के 22 इंजीनियर जिम्मेदार, लिस्ट में मौजूद अधिकारी इंजीनियर को क्लीन चिट। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में नया खुलासा, व्यापम की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कराई बंद दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा। निवेशक सम्मान समारोह, कोविड काल में निवेश को धरातल पर उतारने वाले निवेशकों को सीएम धामी करेंगे सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा, अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बालाश्रय योजना। उत्तराखंड में उधार नहीं चुकाने पर दोस्त का कत्ल, 3 महीने बाद हुआ अंकित हत्याकांड का खुलासा। अंडरग्राउंड मास्टरमाइंड मूसा पर बढ़ेगी नामी राशि, गैर जमानती वारंट के साथ कुर्की की भी तैयारी। उत्तराखंड में महाकाली की रथ यात्रा, सीएम ने वीडियो कॉल से किए देवी के दर्शन, खड़ी चढ़ाई पर भक्तों ने की परिक्रमा। सुलझे हरिद्वार के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी, 5,000 रुपए का उधार न चुकाने पर दोस्त ने उतारा मौत के घाट। यूकेएसएससी द्वारा कराई समीक्षा पर घपले का आरोप, ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को दिया था परीक्षा नियंत्रण का जिम्मा। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 9 सितंबर से एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू, चंद्रभांगा बस्ती क्षेत्र बने डेंजर जोन। उत्तराखंड के ऋषिकेश आश्रम में ठहरे विदेशी नागरिक की मौत, मूल रूप से मलेशिया का रहने वाला था व्यक्ति। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से, सीडीओ ने जांची व्यवस्था। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरपाल साथी ने थामा भाजपा का दामन, 100 से अधिक लोग हुए शामिल। उत्तराखंड भू कानून समिति की रिपोर्ट पर उपराध ने उठाए सवाल, का इसमें जमीन बचाने के लिए कुछ नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हत्या के 3 साल बाद जंगल से मिला था कंकाल, अब हत्या के मामले में 2 को उम्र कैद। चीनी सेना से जुड़े सैन्य अभ्यास में शामिल हुए पुतिन, बढ़ सकती है अमेरिका की टेंशन।
वेस्ट बैंक आने वाले विदेशों पर इसराइल ने लादे नए नियम, देनी होगी फलिस्तीनी से प्रेम होने की जानकारी। ट्रंप को रहा जब्त किए गए दस्तावेजों की समीक्षा के लिए विशेष मास्टर के अनुरोध को मंजूरी। यूक्रेन को हथियार देते देते कंगाल हुआ यूरोप, अब नाटो देशों के पास नहीं बचा गोला बारूद। तीसरी महिला पीएम होगी लीज ट्रस्ट, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। काबुल में रूसी एम्बेसी के बाहर फिदायमी हमला, दो रूसी डिप्लोमेट समेत 20 की मौत। चीन के सिचुआन में 6.8 तीव्रता का भूकंप, अब तक 30 लोगों की मौत, शहर से कुछ दूर लैंडस्लाइड भी हुआ। दक्षिण कोरिया के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान हिनामनोर ने मचाया तबाही, हादसों से बचने के लिए सरकार ने कुछ उड़ानें रद्द की। प्रधानमंत्री बनने से चूके तो लीज के समर्थन में आए ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी को बताया परिवार। शेख हसीना से मिले गौतम अडानी, बोले दिसंबर तक ट्रांसमिशन लाइन का काम पूरा होगा। रिलायंस ने खरीदी सेंसहा की 89.4 हिस्सेदारी, कंपनी को न्यू एनर्जी बिजनेस में मिलेगी मदद। सर्विस सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन, अब इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी, नई नौकरियों में 14 साल का सबसे बड़ा उछाल। आरबीआई गवर्नर बोले हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत, बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों का असर नहीं। पोको M5 भारत में हुआ लॉन्च, 50 एमपी का रियर कैमरा और 500 एमएच की बैटरी। बोट ने लॉन्च की नई स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ मिलेगी 10 दिन तक बैटरी लाइफ। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण बोली डिजिटलकरण के दम पर 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। रेलवे ने 3 महीनों में ई ऑक्शन से 844 करोड़ रुपए की कमाई, जून में आई थी इसकी। आरबीआई गवर्नर बोले दुनिया में तेजी से बढ़ रही हमारी इकोनॉमी, विदेश मुद्रा भंडार की भी स्थिति अच्छी। विनेश कुमार त्यागी ने एसआई के सीएमडी का कार्यभार संभाला, ट्रेनी अफसर के रूप में हुए थे बहाल। रोंगटे खड़े कर देगा मैक्सवेल द्वारा लिया गया कैच, वाटर कैच कहकर चिल्लाने लगे कमेंटेटर। सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाई बाबर आजम की परेशानी, टी20 आई की बैटिंग रैंकिंग्स में छीन सकता है नंबर 1 का ताज।
विराट कोहली दिल है हमारा, बाकी सब आउट हो जाएं लेकिन विराट खेलना चाहिए। आईपीएल भी नहीं खेलेंगे सुरेश रैना, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से भी किया संन्यास का ऐलान। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन का शेड्यूल जारी, सचिन की कप्तानी में खेलेगी इंडिया लेजेंड्स। एक छोटे कीड़े ने रोक दिया यूएस ओपन का मैच, बॉल गल ने हटाया तो दोबारा शुरू हो सका नॉडल उलटफेर के शिकार। विकिपीडिया में अर्शदीप को खालिस्तान से जोड़ा गया, सरकार ने विकिपीडिया के अफसरों को भेजा नोटिस। शाहीन अफरीदी ने नसीम शाह और हारिस रऊफ से कहा अब एशिया कप हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर दम है तो रियल अकाउंट से आए सामने, अर्शदीप के बचाव में आए मोहम्मद शमी। कोहली से पंगा नहीं, विराट ने पकड़ी रिजवान की चालाकी, वीडियो हुआ वायरल। ब्रह्मास के स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे आलिया रणवीर, यूजर्स ने कहा दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे शहनाज गिल, भाई शहबाज के हाथों पर बने सरदार शुक्ला के फैंस टैटू को छूती नजर आई। गणपति विसर्जन करने पहुंचे अल्लू अर्जुन, बेटी अराहा के साथ डांस करते आए नजर, अल्लू को देख फैंस हुए क्रेजी। कियारा आडवाणी का ग्लैमरस लुक ग्रीन ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगी है, क्रिस फैंस ने की तारीफ। नीतू कपूर सनी कौशल पहली बार फिल्म में साथ आएंगे नजर, मां बेटे के रिश्ते में यूनिक पहलू पर बेस्ड होगी फिल्म। रणबीर के टीचर के रोल में नजर आएंगे अमिताभ, फिल्म में साइंटिस्ट बने शाहरुख। लाल बादशाह राजा का आशीर्वाद लेने पहुंची काजोल, येलो साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत, एलिगेंट लुक देख हुए फैंस इंप्रेस। राधिका मदान ने की नई फिल्म के अनाउंसमेंट, शेयर किया हैप्पी टीचर्स डे का फर्स्ट लुक, 5 सितंबर को 2023 में रिलीज होगी ये फिल्म। कमाल राशिद खान के सपोर्ट में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, बोले वो साजिश का शिकार हुए, उन्हें जल्दी न्याय मिलना चाहिए। सलमान ने हाथों में ग्लास लेकर की पार्टी में एंट्री, पेपराजी को देख पॉकेट में झट से छुपाते नजर आए। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।